नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना वैक्सीन का पहला खेप पहुंचा जमशेदपुर। 16 जनवरी को लगाया जाएगा पहला टीका। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का होगा टीकाकरण। अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर विहिप करेगी धन संग्रह। शहर में जागरूकता हेतु निकाली गई रैली। टाटा स्टील निबंधित कर्मचारी पुत्रों ने किया भिक्षाटन। मुंबई जाकर टाटा सन्स के चेयरमैन से करेंगे मुलाकात, रखेंगे अपनी मांग। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन की सौगात जमशेदपुर वासियों के लिए आ चुकी है। रांची से सड़क मार्ग से वैक्सीन की पहली खेप जमशेदपुर पहुंची। 16 जनवरी को फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। वैसे आम लोगों के मन से टीका को लेकर खौफ समाप्त करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद पहले टीका लेंगे। इसकी घोषणा मंत्री ने बुधवार को टीके की पहली खेप रांची पहुंचने के बाद की। आपको बता दें कि झारखंड में 16,620 वायल कोविशील्ड वैक्सीन पहली खेप आज सुबह रांची पहुंची। इस वैक्सीन से राज्य के 1,31,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में 16 जनवरी से वैक्सीन दिया जाएगा, जो कि राज्य के सभी 24 जिलों में कुल 12 वैक्सीन सेंटर में ये वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। वहीं बाकी बचे डोज राज्य के आर्मी के जवानों को दिए जाएंगे। वैक्सीन की पहली खेप एयरपोर्ट से सीधे नामकुम्स में बनाए गए NHRM वैक्सीन स्टोरेज स्टेट वेयर हाउस में रखा गया, जहां से इसे पूरे राज्य के वैक्सीन सेंटर में पहुंचाया जा रहा है, जहां से फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को इसे लगाया जाएगा। जहां से बुधवार दोपहर वैक्सीन का पहला खेप जमशेदपुर पहुंचा। जमशेदपुर के लिए 8,070 डोज भेजा गया है, जिससे लगभग 80,000 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर साहिर पॉल ने बताया कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स और उसके बाद 50 साल के ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। उन्होंने वैक्सीन की गुणवत्ता को उचित मानक में बताया। साथ ही -2 डिग्री टेम्परेचर में वैक्सीन को जिला वैक्सीन सेंटर में रखने की बात कही, जहां सुरक्षा का पूरा प्रबंध होने का दावा डॉक्टर साहिर पॉल ने किया है। कोविड का वैक्सीन आया है, कोविशील्ड वैक्सीन जो रांची से आया है, और 16 तारीख को उसका इनॉग्रेशन होगा और 8 जगह में ये 16 तारीख को वैक्सीन का शुरुआत होगा। और 8,077 डोज आया है अभी, इतने सारे लोगों को तकरीबन 80,000 लोगों को पड़ेगा 8,077 डोज। और रेस्ट आपने देख ही लिया, वैक्सीन आ गया, रखा गया है। अब इसका रख रखाव को थोड़ा सा देखना है और उसके बाद होपफुली विल स्टार्ट। ये अच्छा वैक्सीन है और अच्छा ही होगा सबके। जो ILR में रखा गया है डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होता है ILR में, जो वैक्सीन का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाएगा। पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, 1 मिनट, फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, फिर उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा और उसके बाद कोमॉर्बिड जो है उनको दिया जाएगा। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर विहिप ने पूरे देश भर में धन संग्रह करने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत जमशेदपुर में भी विहिप के द्वारा तैयारियां जोरों पर है। बुधवार को विहिप जमशेदपुर द्वारा इसके लिए पूजा अर्चना कर रैली निकाली गई। कदमा स्थित रंकनी मंदिर में विहिप जमशेदपुर द्वारा पूजा अर्चना कर रैली निकाली गई। गौरतलब हो कि 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक धन संग्रह करने का लक्ष्य तय किया गया और पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले से 5 करोड़ की दान राशि एकत्र कर अयोध्या राम मंदिर निर्माण में भेजा जाना है। लोगों को इस अभियान से जोड़ने और उन्हें जागरूक करने हेतु इस रैली को निकाला गया। योजना के तहत धन संग्रह का कार्यक्रम 14 तारीख से शुरुआत होने जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग मोहल्लों में टोली बनाई गई है, जो घर घर जाके धन संग्रह करेंगे
और सभी लोग से अपील है कि राम मंदिर बनने में अपना सहयोग दें। टाटा स्टील के निबंधित कर्मचारी पुत्रों के भिक्षाटन का आज तीसरा दिन रहा, जहां बुधवार को इन्होंने टाटा वर्कर्स यूनियन के कार्यालय के समक्ष भिक्षाटन किया। गौरतलब हो कि निबंधित श्रमिक पुत्र नियोजन की मांग को लेकर पिछले 6 सालों से यूनियन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। वैसे इनका यह आंदोलन कई सालों से चल रहा है। वर्तमान यूनियन के पदाधिकारियों ने इन्हें नियोजन का भरोसा दिलाया था, लेकिन यूनियन ने कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर जो निर्णय कराया है उससे सैकड़ों निबंधित श्रमिक पुत्र नौकरी पाने से वंचित रह जाएंगे। इसको लेकर निबंधित पुत्र अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलित है। इसी कड़ी में इनके द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में भिक्षाटन कर कंपनी प्रबंधन और यूनियन के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। 16 तारीख के बाद ये सभी निबंधित श्रमिक पुत्र मुंबई जाकर टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और पूर्व चेयरमैन रतन टाटा से मुलाकात करने की बातें कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुंबई जाकर वे हर हाल में दोनों पदाधिकारियों से मुलाकात कर वर्तमान यूनियन द्वारा किए गए धोखेधड़ी से अवगत करवाएंगे। नियोजन की मांग को लेकर ये भिक्षाटन का प्रदर्शन शुरू किए हैं कल से। कल हम लोग आई हॉस्पिटल के पास सांची गोल चक्कर पर भिक्षाटन किए, आज यूनियन कार्यालय पहुंचे, यूनियन पदाधिकारियों से भीख मांगे। इन यूनियन में आरओ का चुनाव होने के कारण कोई भी पदाधिकारी हम लोगों को यहाँ नहीं मिले। यहाँ पर रोड से आते जाते लोगों से भी हम लोगों ने भीख मांगा और ये कार्यक्रम हमारा कल तक चलेगा। 16 तारीख के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग किस दिन बॉम्बे जा रहे हैं, और बॉम्बे जाकर इस बार हर हाल में हम लोग चेयरमैन चंद्रशेखरन साहब और रतन टाटा जी से मिलकर अपना सारा बात को रखेंगे। जो कोई यूनियन ने हम लोगों के साथ जो छलावा किया, हमें 6 साल तक धोखा दिया, उनके सारे बातों को उनके समक्ष रखेंगे। सारा पेपर कटिंग ले जाकर वहाँ दिखाएंगे इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या वादा किया और क्या नहीं किया, इसको लेकर हम लोग आंदोलन करते हैं। जमशेदपुर में झारखंड वासी एकता मंच द्वारा हर वर्ष विशाल टुसू मेले का आयोजन रीगल मैदान में किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के मद्देनजर इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। एक वार्ता का आयोजन कर इसकी जानकारी मंच के सदस्यों ने दी है। इस दौरान मंच के सदस्यों ने कहा कि रीगल मैदान में आयोजित होने वाले टुसू मेले में झारखंड, उड़ीसा एवं बंगाल से लोग पहुंचते हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण मेले को स्थगित कर दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा ना रहे। इन्होंने कहा कि अगले वर्ष फिर से मेले का भव्य आयोजन मंच द्वारा किया जाएगा। कोविड-19 का जो बहुत सारे मानव जीवन के लिए क्षति पहुंचाया, और आज जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो कमी है, अगर मेला लगेगा इस पर फॉलो नहीं होगा, इस महामारी अभी भी किसी ना किसी रूप में क्षेत्र में है। हम लोग चाहते हैं कि अगर सबका परिवार सुरक्षित रहे तो 2021 का जो ये मेला है इसको हम लोग इसीलिए स्थगित कर रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना महामारी में जो हम लोग को पूरा दुनिया में जो देखने मिला, इससे एक समाज और भारत सरकार का, राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है, जिससे मेडिकल साइंस भी इस चीज को बोला कि अगर हमें आपस में थोड़ा दूरी बना के कुछ दिन के लिए रहे तो इससे हम लोग बच सकते हैं। तो पर्व त्यौहार मेला ये होते ही रहेगा, इसलिए इस साल हम लोग स्थगित कर रहे हैं। जमशेदपुर में बाबा तिलका मांझी की पुण्यतिथि के अवसर पर शहरवासियों ने उन्हें याद किया। डिमना स्थित उनके प्रतिमा स्थल पर बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति द्वारा उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर डिमना चौक पर माल्यार्पण किया गया। सभी ने मिलकर बाबा तिलका मांझी के आदर्शों को याद किया और उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। इस दौरान तिलका मांझी स्मारक समिति के सचिव मदन मोहन ने कहा कि बाबा तिलका मांझी वैसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पहली बार जल जंगल जमीन को बचाने का नारा दिया था, और ऐसे व्यक्ति आज के दिनों में भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनके पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मांझी का पुण्यतिथि है और आज बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति की ओर से हम लोग आज बाबा तिलका मांझी के प्रतिमा पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज बाबा तिलका मांझी ये
स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम सेनानी हैं। उन्होंने तमाम लोगों को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ एक जोरदार एक जो है बिगुल फूंकने का काम किया था, और ये लड़ाई के बदौलत पूरे क्षेत्र में अंग्रेजों ने उन्हें डर का एक माहौल बना, और उसके विरोध में तीर का नोक से अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया, और अंततः बाबा तिलकामा जी आज का दिन जो है उसको गिरफ्तार करके उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इसीलिए आज का दिन हम उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि जल जंगल जमीन अपना आज़ादी अपना स्वतंत्रता बचाने के लिए हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, और हमारा संघर्ष हमेशा वो प्रेरणा स्रोत बाबा तिलकामा जी रहेगा। चक्रधरपुर रेलवे मंडल कार्मिक विभाग की ओर से टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में एक दिवसीय ग्रीवांश शिविर लगाया गया, जहां इस शिविर में रेल कर्मियों की समस्याओं को संबंधित पदाधिकारियों ने जाना और जल्द से जल्द इन समस्याओं को संबंधित विभाग द्वारा दूर करने का आश्वासन दिया गया। जहां इस दौरान यात्री पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से रेल कर्मियों को करनी है उसकी ट्रेनिंग दी गई। वहीं रेल कर्मचारियों ने टीए डीए एचआरए एमएससीपी से संबंधित उत्पन्न समस्याओं को शिविर के माध्यम से संबंधित रेल पदाधिकारियों के समक्ष रखा। इस दौरान वैसे रेल कर्मचारी जिनके परिवार के सदस्यों के नाम में त्रुटि थी उसे भी सुधारने के लिए रेल कर्मियों ने शिविर के माध्यम से विभाग को आवेदन दिया है। बता दें कि चक्रधरपुर रेलवे कार्मिक विभाग द्वारा शिविर के माध्यम से प्रयास किया गया कि समस्याओं के चलते रेल कर्मियों के समक्ष जो परेशानी उत्पन्न हो रही है उसे जल्द से जल्द दूर किया जा सके किया जा रहा है। एक नुक्कड़ नाटक हुआ है कोरोना के बारे में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पीएसएस पास ऑनलाइन पास लेना है उसका भी ट्रेनिंग दिया गया मंडल कार्मिक प्रबल मंडल कार्मिक अधिकारी के माध्यम से कर्मचारी का जो भी ग्रीवांसेस है वो उनका फिर जनरल का निवारण के लिए ही कैंप। जमशेदपुर के परसुडी शीतला चौक के पास साई सेवा मंच की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर जरूरतमंदों के बीच तिलकुट गुड़ का वितरण किया गया, ताकि व्यक्ति मकर संक्रांति का त्योहार मना सके। इस दौरान पूर्व विधायक कुणाल सलंगी, भाजपा अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष विमल बैठा समेत मंच के पदाधिकारी व स्थानीय लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां सभी ने गरीब जरूरतमंदों के बीच तिलकुट गुड़ का वितरण किया। जानकारी देते हुए मंच के सदस्यों ने बताया कि हर व्यक्ति को हर त्योहार पर्व खुशियों से मनाना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ ये शिविर लगाया गया है। ये सभी हम लोग मिलकर आज बसुड़ी शीतला चौक पर चूड़ा गुड़ का वितरण कर रहे हैं। मकर संक्रांति जब नया साल आता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग ऐसे क्या करें कि हमारे लोग अच्छा काम करे, अच्छा सोच रखे, अपने क्षेत्र का विकास करे, तो उसी सोच को लेकर आज हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और सभी को मकर संक्रांति की खूब बधाई। सरायकेला जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत ताजनगर में बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है। आए दिन हो रहे चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। ताजा मामला बीती रात का है, जहां शेख अली मोहम्मद के घर चोरों ने चोरी करते हुए 10,000 नगद समेत दो मोबाइल फोन की चोरी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते रात शेख अली मोहम्मद के घर चोरों ने घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए उनके घर में रखे 10,000 नगद समेत दो मोबाइल फोन की चोरी कर ली। घटना के बाद पीड़ित द्वारा स्थानीय कपाली ओपी में मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं क्षेत्र में लगातार इस प्रकार की चोरी की घटना हो रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सार मना दो मोबाइल चोरी हुआ और 10,000 रुपये पैसा चोरी हुआ सर, 2 बजे के बाद सर। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।